अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस चीज़ चॉपर के बारे में बताऊंगी। जो ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा है और एकदम ही नाइस है। इसकी ब्लेडेड भी दो है और ये सिर्फ 5 रियाल है। मैंने इससे पहले भी आपको शेयरिंग की थी मेरी वीडियो, आप मेरे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 5 रियाल 25 हलाला में लिया है। इसे आप देखें, बहुत ही अच्छा बारीक होता है और जैसे आप जितना बारीक करना चाहे आप उससे इतना बारीक कर सकते हैं। इस चॉपर से मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने ये जो वेजिटेबल्स लिए हैं, कैरेट, ऑनियन, कैबेज एंड ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर, टमाटो, ये सब लिए हैं मैं। इसमें अब आपको कट करके बताऊंगी कितना बारीक होता है और कितना कैसा किस तरह से है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने लिया है। आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ, शायद इंशाल्लाह आप लोगों को भी कहीं अगर मिल जाए, या नहीं तो फिर कहीं ऑनलाइन भी आप इसे अमेज़ॉन में भी है इसे मंगा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे सिर्फ 4 to 5 या 6 टाइम करने से आपको जितना बारीक चाहिए आप उतना उससे ऐसे करने से आपको बहुत ही अच्छा सा चॉपर बन जाएगा। ये देखिए, बहुत ही बारीक, ये मुझे थोड़ा सा बारीक चाहिए था, मुझे तो मैंने इससे ज़्यादा और बारीक कर लिया है। आप को भी जितना क्वांटिटी में जितना बारीक चाहिए आप कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये मैंने चॉप किया तो कितना बारीक हो गया है। आप ही इसे यूज़ कर सकते हैं। ये अब मैंने इसमें पहले एक ऑनियन डाला था, अब मैंने कैरेट डाल रही हूँ। मैं इसमें कैरेट भी बहुत अच्छे से ये चॉप हो जाएगा। बस इससे ऐसे मोटे मोटे से ज़रा से 4-5 पीस करके हम इसमें डालते हैं तो बहुत आराम से अच्छे से बारीक पीसेस हो जाएंगे इसमें। ये बहुत ही बढ़िया चॉपर है, आप बाय कर सकते हैं। देखिए ये कितने से अच्छे से बारीक से हो गया। अब मैंने इसमें पहले कैरेट काटा है, अभी कैबेज लूँगी मैं। कैबेज से भी अभी टमाटो लिया है, कैबेज भी मैंने काट के रख लिया है। अब टमाटो भी जिससे आपको अच्छे से मैश के जैसा भी हो जाएगा, अगर टमाटो तले तो, या उसमें आपको बारीक चाहिए तो बारीक भी हो जाएगा। इसमें देसी टमाटर डालूँ तो इस वजह से ये थोड़ा सा मैश की जैसा हो गया है, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। ये 1 to 10 रियाल में की शॉप से मैंने लिया है। आप भी वहाँ पर चेक करें, आपके कहीं करीब में अगर आपके 1 to 10 रियाल या 5 रियाल की दुकान है या तो वहाँ पर चेक करिए, इंशाल्लाह शायद वहाँ पर होगा ये चीज़ 5 रियाल में। ये अमेज़ॉन पे 28-30 रियाल 40 रियाल में है। मैंने इसका प्राइस चेक किया था, मुझे 5 रियाल में मिला, तो मैं सोची वहाँ से मंगाने से अच्छा तो मैंने यहाँ से ले लिया है। ये देखिए, मैंने अब ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर ले लिया है, उसे भी अच्छे से मैं बारीक चॉप कर लूँगी। और इसे अच्छे से स्मूथली और अच्छे से हो रहा है, हमें कटिंग बोर्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बस इसमें डालें और अच्छे से चॉप करें और निकाल दिए जैसे जैसे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।